Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से. आई होप आप सब ठीक होंगे. मैं भी अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में हूँ. तो आज मैं बना रही हूँ, आज मैं क्या बना रही हूँ वैसे, आज मैं बना रही हूँ डेजर्ट बिस्कॉफ पुडिंग. बहुत ही झटपट आसानी से बन जाता है. हाँ, बिस्कॉफ अभी आप कहेंगे कि मुझे बिस्किट मिलेगी कैसे, ऑनलाइन आप टाइप करोगे ना तो इतनी मिलेंगी आपको, इतनी मिलेंगी, अलग अलग टाइप की मिल जाएगी बिस्कॉफ पुडिंग. इनफैक्ट जो बिस्कॉफ का मैंने ये जो क्रीम जो स्प्रेड है वो भी इस्तेमाल जो किया है वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी. वैसे मैंने कुछ रमजान के लिए भी डेजर्ट्स बनाई हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां चेक कर लीजिएगा. क्विकली चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी, ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की. चलिए सबसे पहले डिश के अंदर आप ये जो लोटस बिस्कॉफ बिस्किट्स हैं उसे अरेंज कर दीजिए. आपने जिस तरीके से अरेंज करनी है आप कीजिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लेकिन एकदम पूरी नीचे बिछा दीजिएगा, लेयर कर दीजिएगा. नीचे का बेस पूरा हमारा बिस्किट का होना चाहिए. ये नॉर्मल फुल फैट दूध है, रूम टेम्परेचर पे, कुछ नहीं है जो हम सुबह में गर्म करते हैं उसके बाद जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, बस उसी को लीजिए और इस तरीके से ऑल ओवर थोड़ा थोड़ा डालते जाएं ये जो बिस्किट्स हैं उनके ऊपर. इस तरीके से सारी बिस्किट्स को आप कवर कर लीजिए. यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध लिया है, उसे मैं थोड़ा सा एक बाउल में डाल देती हूँ. उसमें आप डाल दीजिए 2.25 टेबलस्पून जितना कस्टर्ड पाउडर और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कोई गुठलियाँ ना रहे, और इसे साइड पर रख दीजिए. अब ये जो सुबह में दूध हम जो गर्म करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है ये वही दूध है. अब ये जो आधा लीटर दूध है ये सारा मैं बचा हुआ पतीली के अंदर डाल देती हूँ. चूल्हा चालू कर दीजिए फास्ट आंच पर और एक उबाल खिला लीजिए. जब उबाल आ जाए तो चूल्हा कर दीजिए मीडियम आंच और यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून शक्कर डाल देती हूँ. आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं. चूल्हा मीडियम पर रखें और बस तब तक पकाएं जब तक ये जो शक्कर है पिघल नहीं जाती. जब शक्कर पिघल जाए तो चूल्हा मीडियम पर ही रखिएगा और वो जो घोल हमने बनाकर रखा है कस्टर्ड का वो सारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए और इसे बार बार चलाते रहे कि गुठलियाँ ना हो और मीडियम आँच ही रखिएगा. इसमें आधा या पौना छोटे चाय चम्मच वैनिला एसेंस डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए. मैंने चखा है, शक्कर मुझे हल्की सी कम लग रही है तो यहाँ पर मैं शक्कर फिर से डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जितनी. आप एडजस्ट करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं. मिक्स कर लीजिए और इसे जब तक ये शक्कर घुल नहीं जाती तब तक पकाएं, तब तक ये जो हमारा टेक्सचर है वो भी अच्छा खासा पक जाएगा. बस उसके बाद चूल्हा कर दीजिए बंद. अब ये जो पुडिंग है इसे ये जो बिस्किट है बिस्कॉफ वाली लोटस की इसके ऊपर इसी तरीके से पूरी डाल दीजिए और अच्छे से फैला दीजिए. ये है लोटस बिस्कॉफ का स्प्रेड. उसे मैं थोड़ा सा बॉइलिंग मेथड से पतला कर रही हूँ और जब हो जाता है तो इसे पाइपिंग बैग में डाल देती हूँ. अच्छा, आपके पास ये ना हो तो आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं. अब इसे डालने के भी दो तरीके हैं. आप चाहें तो इस तरीके से जैसे मैं लाइंस बना रही हूँ वैसी लाइंस बना के टूथपिक से स्वर्ल कर सकते हैं तो वो आर्ट आ जाएगा इसके ऊपर. बट मैं जैसे आप देख सकते हैं मेरी बहुत ज़्यादा हाथ शेकी हो रहा था तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, पूरा जो स्प्रेड था वो मैंने पूरा इसी के ऊपर लगा दिया. थोड़े से बिस्किट्स को हाथों की मदद से क्रश कर लीजिए या फिर मैंने तो मिक्सर जार में डाल दिया था तो थोड़े से क्रश हो गए और इसे चारों ओर इस तरीके से प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं डाल रही हूँ. आप चाहें तो आप भी इस तरीके से डालें या फिर पूरा चारों ओर बिछा दें और उसके बीच में मैंने इस तरीके से एक एक बिस्किट लगा दी. तो ये बन गया हमारा खूबसूरत सा लोटस बिस्कॉफ पुडिंग. अब ठंडा करने इसे फ्रिज में कुछ घंटों के लिए रख दीजिए और फिर चिल सर्व कीजिए. अगर आपके पास बिस्कॉफ स्प्रेड नहीं है और वो थर्ड लेयर ऊपर की आप नहीं डाल सकते तो कोई बात नहीं, सिर्फ ये जो बिस्किट को क्रश करके ऊपर डाल दीजिएगा. मुझे थोड़ा सा स्प्रेड कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ज्यादा डाला है बढ़िया टेस्ट के लिए. तो चलिए ये बन गया हमारा बढ़िया सा डेजर्ट. वैसे कुछ डेजर्ट्स की रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है रमजान स्पेशल के लिए, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा. तो कैसा लगा आपको आज का डेजर्ट? है ना बढ़िया और एकदम झटपट मजेदार भी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है. तो बनाइएगा जरूर. अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने बनाया और आपको कैसा लगा, फीडबैक भी दीजिएगा. इसी तरीके से मैं और नए और बना सकूंगी आप लोगों के लिए. और अगर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगे तो कंजूसी मत कीजिए, एक लाइक कर दीजिए ये वाले वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी मेरे लिंक्स फॉरवर्ड कीजिए ये वाले. तो फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ. व्लॉग्स देखे कि नहीं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, दुबई के व्लॉग्स भी देखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.